नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। गाजियाबाद के मुरादनगर में वर्धमान चौकी से 300 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 58 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा रात के 2 से 3 बजे के बीच हुआ, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रात में अज्ञात वाहन ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी, जिसमें ट्राली में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, मुरादनगर थाना इलाके में एक अभी दिन निकलती सुबह हादसा हुआ था। कितने लोग उसमें कैजुअलिटी में मरे हैं और कितने लोग घायल हुए? ये रात को लगभग 2:30 से 3 बजे की घटना है। वर्धमानपुरम चौकी से लगभग 300 मीटर दूर गाजियाबाद की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ था रात को, जिसमें 5 मजदूरों की डेथ हो गई है और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये मजदूर अपना काम समाप्त करके ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिससे ट्रॉली पलट गई थी और 5 मजदूर ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। सब मजदूरों की क्या पहचान कर ली गई है और घायलों को कहाँ एडमिट कराया गया है? घायलों को संजय नगर अस्पताल में एडमिट कराया गया। मजदूरों की पहचान कर ली गई। मूल रूप से ये मजदूर मेरठ के रहने वाले हैं। 4 मजदूर मेरठ के रहने वाले, 1 मजदूर सहारनपुर का रहने वाला है और हाल फिलहाल ये साहिबाबाद में रह रहे थे।